हे गुड इवनिंग एवरीवन। तो फाइनली आपकी यहाँ पे वेटनरी डिप्लोमा की जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। हम डिटेल में सारी चीजों को एक्सप्लोर करने वाले हैं, आपको कैसे आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है, कॉलेजेस कैसे भरना है। ऑलरेडी आप सभी को पता होगा बिना आईडी पासवर्ड क्रिएट किए हुए आप यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाओगे, और कॉलेजेस को कैसे भरना है। ठीक है, ऑलरेडी आप सभी को पता है 330 रुपए के आसपास आपका रजिस्ट्रेशन फीस लग रहा है, तो कैसे आपको यहाँ पे पेमेंट करना है वो सारी चीजों को अपन देखने वाले हैं। ठीक है, बट अभी फिलहाल में ऑलरेडी आप सभी को पता होगा यहाँ पे कि जो है फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन करने की आपकी डेट है वो 18 से 23 तारीख तक यहाँ पे लास्ट डेट है। तो फटाफट यहाँ पे फॉर्म फिल कर लो, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम दिया हुआ है इन्होंने आपका फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन करने का। देखो सिंपली क्या क्या करना है, लेकिन अभी एक बता दूं आपको, जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरी यहाँ पे हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है मैं उनको लिस्ट यहाँ पे रेडी हो चुकी है, बस कुछ टाइम बाद आप लोगों को सेंड कर दूंगा। थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे कैसे आपको जो है कॉलेजेस भरने हैं। बेसिकली अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, अगर हेल्प प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना है तो बहुत ज्यादा आपको प्राइस पे नहीं करना है, ओनली 99 यहाँ पे करना है। ये मेरा नंबर है, आप देख सकते हो, इस नंबर पर आप मेरे को पे कर सकते हो। देन आप स्क्रीनशॉट मेरे को सेंड कर देना और अपना स्कोर कार्ड भी मेरे को सेंड कर देना, ठीक है। प्रॉपर आपकी हेल्प की जाएगी जब तक आपको कॉलेजेस अलॉट नहीं हो जाते, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के बाद आपका एक सीएलसी राउंड होता है, इसकी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को नहीं होती है। बट प्रॉपर मैं आपको इन्फॉर्मेशन गाइड करूंगा, और इसमें ऑफलाइन कैंपस में काउंसलिंग करवानी पड़ती है, सारी हेल्प आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो ओनली आपको इस नंबर पर मेरे को पे कर देना 99, ठीक है। बाकी हम स्टार्ट करते हैं कैसे फॉर्म भरना है। सबसे पहले आप देखोगे आपको क्रिप्स ऑनलाइन की साइट्स पर आ जाना है, ये साइट है आपकी। इस पे आने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सिंपल एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखो क्या करना है, आईडी पासवर्ड कैसे क्रिएट करना वो देखो, इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस। आपके पास पुराना आईडी पासवर्ड है वो भी चल जाएगा, नया वाला है तो सिंपल आपको क्या करना है, जैसे कि मैं अपना नाम फिल कर दूं, तो अपने नाम फिल करने के बाद जस्ट आप क्या करोगे, जिस भी स्टेट से आ तो स्टेट फिल करना है, देन आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको फिल कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। इसके बाद आपको मेल यहाँ पे फिल करनी है रजिस्टर्ड। देन आप यूजर नेम, मोस्ट इंपोर्टेंट है यूजर नेम, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम्स आती है यूजर नेम फिल करने में। तो सिंपल आपको यूजर नेम क्या करना है, कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि मेरा नाम सत्यम है तो 626789 करके मैं रख दूंगा। तो इस टाइप से देखो ये जो नया है ना, ये अभी फिलहाल में यूजर नेम अवेलेबल है, लेकिन मैं जस्ट यहाँ पे अगर कुछ भी फिल कर दूं, सत्यम कर दूं, तो ये जो यूजर नेम है आप देखोगे साइट्स पर, ये यूजर नेम अवेलेबल नहीं हुआ, दिस इज अ सत्यम इज नॉट अवेलेबल, सॉरी। फिर आपको एक अपना पासवर्ड बना लेना है सिंपल, जो भी आपका बिल्कुल इजी पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, देन यहाँ पे पासवर्ड को आपको टाइप कर देना है, ये सिंपल प्रोसेस है। बट मेरे पास यहाँ पे प्रीवियस ईयर का आईडी एंड पासवर्ड है, तो सिंपल आपको क्या करना है, यूजर नेम यहाँ पे फिल कर देना, मेरे पास प्रीवियस ईयर का है उसको मैं यहाँ पे जो है यूज करने वाला हूँ। तो सिंपल यूजर आईडी और जो आपका यूजर आईडी पासवर्ड बन जाता है ना, उसको आपको सिंपल यहाँ पे फिल करना है। देन आप यहाँ पे साइन इन पर क्लिक करोगे, सिंपल आपको कुछ इस टाइप से एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देन आप देखोगे एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा एंड डेयरी टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा, ठीक है, जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे। देन इसके बाद आपको क्या करना है, आप न्यू तरीके से फॉर्म भर रहे हो ना, अप्लाई कर रहे हो, तो जस्ट आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। देन आप इसके बाद ये सारी चीजों को रीड कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें क्या लिखा हुआ है, फीस जमा कराने के बाद करप्शन मनी के अलावा अन्य शुल्क वापस नहीं होगा। इन सारी चीजों को रीड करने के बाद जस्ट आपको आई एग्री करना है, इसको आप एक्सेप्ट कर लेना टर्म एंड कंडीशन को। देन आपको इसके बाद एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करना, चलो तो एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को फिल करते हैं, ठीक है। तो जस्ट आप लोग आईडी पासवर्ड फिल करोगे, सॉरी एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे, तो कुछ इस टाइप से एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। प्रॉपर आपकी जानकारी यहाँ पे मेंशन होगी, आप देख सकते हो इस स्टूडेंट का नंबर 27.21 है, ओबीसी कैटेगरी से है। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, देन इसके बाद आप अपनी रजिस्टर्ड मेल डालोगे और अपने पिताजी का यहाँ पे नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको फिल करना पड़ेगा। देन इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कॉलेजेस फिल करने का, ये देख सकते हो सारे कॉलेजेस आपके सामने हैं। इसने यहाँ पे पेमेंट सीट को ऑप्शन को चूज किया हुआ है, ठीक है, 27.21 नंबर है, इसने फॉर्म भरते टाइम पेमेंट सीट पर क्या कर दिया था, यस। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है आप देखोगे पेमेंट सीट के कॉलेजेस भी इसको भरने को आ चुके हैं। फ्री और पेमेंट की सीट में आपको पता होगा कितना डिफरेंस है, क्या फी जो है आप पेमेंट सीट की है, क्या फीस आपकी पेमेंट फ्री सीट की है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है फ्री सीट को, ठीक है। और अगर आपके नंबर बहुत कम है, नंबर बहुत कम है, तो आप क्या कर सकते हो, फ्री पेमेंट चला सकते हो। बट सबसे पहले देखो जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना उनको सबसे ऊपर रखना है, ठीक है। देन इसके बाद आपको जो यहाँ पे जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस है उनको चूज करना है।
सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे, मैं बता दूँ ये सेल्फ फाइनेंसिंग का बात करूँ तो सबसे टॉप का कॉलेज आपका जबलपुर का है, तो इसको यहाँ पे जस्ट आपको फिल कर देना, ठीक है। ये आ गया आपका जबलपुर। अब जबलपुर के बाद सेकंड क्या करोगे, जबलपुर के बाद जैसे बहुत कम नंबर है तो जबलपुर की जो है फ्री सीट भर दिया, देन इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आपको जबलपुर पेमेंट सीट भी कर सकते हो, नहीं तो इसके बाद आप देखोगे फ्री सीट आपका महू, जबलपुर के बाद अच्छा कॉलेज है, महू के बाद आप फ्री सीट में रीवा भी आ सकते हो, देन इसके बाद आप मुरैना भी भर सकते हो फ्री सीट में, तो भोपाल भी ठीक है थोड़ा सिटी के लिए, इसको भी आप चूज कर सकते हो, देन इसके बाद आप मुरैना को जो है चूज कर सकते हो। तो ये इस टाइप से आप सिक्वेंस रख सकते हो, ठीक है। बट मैं आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर यहाँ पे चॉइस फिलिंग की लिस्ट जो है प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन होना चाहते हो बिल्कुल आप ज्वाइन हो सकते हो, ये कुछ इस टाइप से आपकी लिस्ट रहेगी, ठीक है। मैं अभी जस्ट लिस्ट बना रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स की, तो आप ज्वाइन होना चाहते हो तो ज्वाइन हो सकते हो, बाकी आपको आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। देखो इसके बाद आपने गवर्नमेंट कॉलेज भर दिया टोटली 5। अब इसके बाद आते हैं प्राइवेट, तो प्राइवेट को सिंपल क्या करना है, बट इससे पहले आपको पेमेंट सीट पे जबलपुर को रखना है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है मेरे अकॉर्डिंग। देन आप इसके बाद चॉइस फिलिंग करने के बाद जस्ट आप सारे कॉलेजेस भर दोगे, और अगर आपको कॉलेजेस को रिटर्न में वापसी भी लाना है, ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे ये कॉलेजेस को वापसी भी लेके आ सकते हो, बट पेमेंट सीट पर क्या चलेगा, जबलपुर भर दिया मैंने, ठीक है। कुछ इस टाइप से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। बट मैं इस स्टूडेंट ने मेरी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर रखी है, तो मैं इसको प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, उसके हिसाब से कॉलेजेस भरेगा, ठीक है। बाकी आप देख लो कुछ इस टाइप से आप कॉलेजेस को फिल कर सकते हो। सिंपल आपको इसके बाद क्या करना है, जस्ट आप इसको क्लिक करोगे और सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर दोगे, तो एक ओटीपी आएगा, और इसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे पेमेंट करना रहेगा 300। आपको ऑलरेडी पता हो कितने रुपए का पेमेंट करना है, लिस्ट में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, ठीक है। आप लिस्ट में देखोगे तो यहाँ पे जो है काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने का जो शुल्क था वो आपका यहाँ पे 330 रुपए के आसपास रहने वाला है, ठीक है। आप साइट्स पर जाके देखो 366 रुपए आपका लगेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ये आपका वापसी नहीं आने वाला, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसेस है, जस्ट आपको जैसे ही कॉलेजेस वगैरह अलॉट होते हैं फर्दर मैं आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको पेमेंट सीट चाहिए है तो आप यहाँ पे पेमेंट सीट को चूज कर सकते हो, पेमेंट सीट नहीं चाहिए तो पेमेंट सीट के कॉलेजेस को मत भरना, क्योंकि फीस ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से पता है कितना फीस है इसका, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप सिक्वेंस को रख सकते हो फ्री एंड पेमेंट के। बाकी थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि स्टूडेंट के मार्क्स मैंने देखे हैं, तो थोड़ा सा कट ऑफ मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, है ना, फ्लैक्चुएट करेगा। बट फ्री एंड पेमेंट का अगर आपको चाहिए तो पेमेंट सीट फिल कर देना, सिंपल सा है। नहीं फिल करना तो मत फिल करना, कोई भी यहाँ पे आपके पास हो रही है कि पेमेंट ही फिल करनी है तभी आप सबमिट कर पाओगे, नॉर्मल आप सबमिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी देख लो और ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फिल कर देना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप मोबाइल से भी कर सकते हो प्रोसेस, यूपीआई डाल के आपको पेमेंट ही करना, जस्ट सबमिट करोगे और उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, एप्लीकेशन फीस वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो ये इनका हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर बात कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर पेमेंट वगैरह फंस जाता है तो इनकी मेल पर आप इनको मेंशन कर सकते हो। इसके बाद सिंपल एक और साइड आपको बता देता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इनकी एक और साइड है, ठीक है, जहां से आप जा सकते हो, नानाजी देशमुख वेटनरी जो कॉलेजेस है वहां पे आप जाके इनके कॉन्टेक्ट अस पे जाओगे, तो यहाँ पे भी आपको 2 नंबर मेंशन कर रखे, आप इनको भी विजिट करके इनसे बात कर सकते हो, ये प्रॉपर आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। बाकी आप मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, ऐसे ही चॉइस फिलिंग करना था, बहुत ज्यादा टफ काम नहीं है, पासवर्ड बनाना है और सिंपल आपका ये प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और आपको प्रॉपर हेल्प गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, मुझे 99 पे करने के बाद फोन पे गूगल पे जो भी आप यूज करते हो, यूज करने के बाद मुझे पे कर देना, स्क्रीनशॉट भेज देना, देन मैं आपको यहाँ पे नंबर आपका सेव कर लूंगा, तो ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।